टाइमिंग के रिगार्डिंग अगर आपके मैंने कमिटमेंट दे दिया ना कि अगर एक घंटे में फ्री कर देंगे आपको, तो आपको एक घंटे में फ्री कर देंगे, इतनी वैल्यू इनकी सर्विस। तो राकेश कुमार जी के लिए थम्स अप। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइज, आज हमारी होंडा एक्टिवा 125 का सेकंड सर्विस ड्यू था काफ़ी दिनों से, तो आज हम उसको लेके जा रहे हैं सर्विस के लिए। हम जाएंगे एक्सल होंडा, जहाँ पे लास्ट टाइम पे गए थे फर्स्ट सर्विस पे, आज सेकंड सर्विस पे भी वहीं जा रहे हैं। ये फ्री सर्विस होने वाली है, इसमें सिर्फ ऑयल चेंज का हमें पैसा देना होगा, बाकी कोई पैसा नहीं देना। तो गाइज, चलते हैं स्कूटी पे। हेलो गाइज, आप जैसा देख सके थंबनेल में, ये वीडियो किस चीज़ के लिए, तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं होंडा एक्टिवा 125 की सर्विस कराने के लिए, और 1092 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। निकल पड़े हैं फ्रेंड्स घर से सर्विस कराने के लिए। ये मोती नगर की कार मार्केट आएगी गाइस, यहाँ पे आप सेकंड हैंड कार खरीद सकते हैं, और यहाँ पे यूज मोटरसाइकिल भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये करमपुरा फ्लाईओवर के ऊपर हम चढ़ जाएं गाइस, यहाँ से आप सीधा एक्सल होंडा पे पहुँचेंगे। एक्सल होंडा पे हम पहुँच चुके हैं गाइस, देख सकते हैं आप। राकेश चौहान जी आ गए हैं, ये हमारे सर्विस एडवाइज़र थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। चेकिंग हो गई जी, इस सड़क पे आया, सामने दिखे, सामने दिखता ही नहीं कुछ, सीधा ऊपर हवा में जा रही होती है। लाइट बनना सीधा पेड़ों पे पड़ती है ऊपर, और ये पहले दिन से ही है। और ब्रेक एक, ये आगे पीछे करने पे ना देखना टायरों में से आवाज़ क्यों आती है, वो समझ नहीं आता हमें। वैसे आगे पीछे करने पे बस, वैसे अच्छा। हाँ, सारी प्रॉब्लम बता दी गई है गाइस, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। बाकी सेकंड सर्विस है, थोड़ा टाइम जल्दी करा देना। ये गाड़ी सर्विस होने के लिए अपनी चल रहे हैं हम। नहीं बनानी, थोड़ी देर के लिए ही बनानी है बस। एयर प्रेशर से जस्ट क्लीन हो रही है गाइस। नेटबोर्ड खोल दें हैं, और ये सर्विस मैनेजर हमारे बहुत बढ़िया बंदे, सारा काम जल्दी करा दिया हमारा। एयर फिल्टर निकल चुका है, अभी चल जाएगा।
एयर फिल्टर साफ होकर लग गया। ब्रेक की एडजस्टमेंट हो गया गाइस। इंजन ऑयल चेंज होने जा रहा है गाइस। सर्विस एडवाइज़र हमारे बहुत बढ़िया थे, इन्होंने हमारा बहुत बढ़िया काम करा दिया। वही एडवाइज़र जी हमारे राइट हो गए नट। इंजन ऑयल डाल दें जी। इंजन ऑयल डाल चुका। ये लुब्रिकेशन हो रही है ब्रेक की और सारे नट की है, जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं सबकी लुब्रिकेशन हो रही है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम थी इसके फोकस में, ये सेटअप होने जा रहा है फोकस का। सर्विस एडवाइजर आ चुके हमारे। चलो जी सर्विस हो गई है पूरी और चल रहे अभी यहाँ से वॉशिंग के लिए। इस भाई का शर्ट मेरे को बहुत प्यारा लगा। ये शर्ट कहाँ से लिख रहा है भाई? तो भाई यूट्यूब पे दिखेगा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही होगा इसका शर्ट। ये शर्ट सबसे बढ़िया लगा मुझे भाई। और ये हो रही अपनी। चलो जी हो गई हमारी सर्विस, जा रही है वॉशिंग के लिए। सर ने एडवाइस किया हमारा और काम बहुत जल्दी किया। नाम राकेश, राकेश चौहान जी हैं एक्सेल होंडा पे। जो भी सर्विस कराना चाहते हो सर्विस के लिए इनसे कांटेक्ट करें, सारी गाइडलाइन करेंगे। तो राकेश कुमार जी के लिए थम्स अप। हैप्पी कोड आ चुका है जी और यहाँ से बिलिंग हो चुकी है। ओनली 300 रुपीज़ सर्विस की, सेकंड फ्री सर्विस थी। और ये रेडी हो गई हमारी गाड़ी। पेज चेंज कर रहे हैं भैया जी। राकेश जी से कांटेक्ट कर लें किसी वीडियो से, ठीक है राकेश जी? चलो जी फाइनली हो गई है सर्विस और चल पड़े हैं घर को। ये दिया हमने गेट पास और हम निकल लिए आगे। चलो जी कल होंडा सर्विस करा के, सर्विस देखिए आप गाड़ी कैसे चमक रही है, एकदम शाइन कर रही है। सही लग रहा है अब। चलो जी चल रहे हैं अब यहाँ से। और देखिए 1100 किलोमीटर हमारी कट चुकी है गाड़ी। सर्विस कराने के बाद काफ़ी हल्की चल रही है गाड़ी, स्कूटी बहुत हल्की लग रही है चलने में, ब्रेकिंग एकदम अच्छे हो गए हैं अभी टेस्टिंग करने पे। बहुत बढ़िया लग रहा है और ऐसा लग रहा है बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी। आगे आपको घर पे पहुंच के एक बार फिर दोबारा इसको प्रॉपर राउंड दिखाऊंगा।
गाइस पहुंच चुके हैं घर पे फाइनली। 3 से 4 घंटे लगे हमें, बाकी जगह घूमते फिरते आए हैं। एकदम क्लीन, और ये हमारी बलिनो। ये इस पर किसी ने गाइस ये नया स्क्रैच मार दिया किसी ने, जिसको ठीक कराएंगे अपनी सर्विस पे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हमारी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी आपके लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, गाड़ी आराम से चलाना और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। बाय बाय।